हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर टिप्स पर। तो एसएससी की तरफ से एक खबर आई हुई है जो कि आज 24 अप्रैल को आई है। ये रिलेटेड है आपके एसएससी के आने वाले रिजल्ट जो कि अप्रैल और मई महीने में आने वाले थे, जिसमें जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2018 पेपर टू का है और मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 के पेपर टू का है जो कि 24 नवंबर को हुआ था। और एक है सीजीएल 2018 के टायर थ्री का। जूनियर इंजीनियर का आना था 9 अप्रैल को जो कि नहीं आ पाया, और इसी के साथ साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ का था जो कि 30 अप्रैल को अभी आना था आने वाले दिनों में, जो कि अब उसका रिजल्ट अभी फिलहाल नहीं आएगा। और कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन जो सीजीएल 2018 का टायर थ्री था, वो 8 मई को आना था, वो भी नहीं आ पाएगा। तो ये क्यों नहीं आ पाएगा, चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाउएवर, ड्यू टू द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, वर्क रिलेटेड टू द इवेल्यूशन एंड प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट हैज बीन हेल्ड अप। देयर फॉर द रिजल्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2018 पेपर टू कुड नॉट बी डिक्लेयर्ड ऑन 9/4/2020। फर्दर रिजल्ट ऑफ अदर टू एग्जामिनेशन कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल। फ्रेश डेट्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। यानी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि कोविड-19 की जो महामारी इस समय चल रही है, उस वजह से ये रिजल्ट अपने शेड्यूल के अनुसार नहीं आ पाए हैं। तो ये आने वाले समय में, ये जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, तो ये रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे। और इसी के साथ बता दें, जितने भी एग्ज़ाम जैसे आपके एसएससी सीएचएसएल का जो अभी एग्ज़ाम जो 3 दिन हुआ था उसके बाद पोस्टपोन्ड हो गया था, वो भी अभी फ़िलहाल तो रुका ही हुआ है, लेकिन जैसे ही ख़त्म होगा, तो अगर आप इसकी एक्सपेक्टेड डेट जानना चाहते हो तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट मेरे हिसाब से जुलाई महीने में ही हो पाएगा ये एग्ज़ाम, क्योंकि जून में तो ये संभव है नहीं, और ये जुलाई के बाद ही हो पाएगा ये एग्ज़ाम। तो तब तक के लिए लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, और इस छुट्टी के समय में, इस लॉकडाउन के समय में, इसका अच्छे से इस समय का सदुपयोग करें। और अगर ये खबर अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।